खून चाहिए। ये क्या बात कर रही हो? चल खून चाहिए, खून ले लो। मुझे खून देना है। क्या बकवास कर रही हो? हटो यहाँ से, दूर हटो यहाँ से, दूर हटो यहाँ से। छोड़ मेरा हाथ। हाँ, मेरा हाथ चल गया। क्या है तुम्हारे हाथ में? मेरा हाथ चल गया। हटो, हटो यहाँ से, हटो, 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 खून ले लो, दूर हटो, खून ले लो। चोट लगी है, इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले चलो और इसके माँ बाप को जल्दी बुलवा लो। ओके सर। खून बहुत बह गया है, इसकी हालत बहुत खराब है, हमें और खून की जरूरत पड़ेगी। इसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है। सर, हमारे अस्पताल के ब्लड बैंक में इस ग्रुप का जितना भी खून था हम इन्हें दे चुके हैं और मैं बाहर भी पता लगा चुकी हूँ, किसी भी ब्लड बैंक में इस ग्रुप का खून नहीं है। कोशिश करो, पता करो, शायद किसी का ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव हो। एक्सक्यूज मी सिस्टर, कहाँ है मेरी बेटी? ज्यादा चोट तो नहीं है उसे? पीठ पे गहरा घाव हो गया है, काफी खून बह गया है, सिर में भी चोट लगी है। आप लोग खून तय रखिए। हम खून कहाँ से लाएंगे? हम हर किसी का खून अपनी बेटी को नहीं दे सकते, उसका खून रेयर है, ए बी नेगेटिव। इस वक्त कहाँ है वो? ऑपरेशन थिएटर में है। क्या हुआ सिस्टर, ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हैं आप? हमें रागने के लिए और खून की जरूरत है। हमारा ब्लड ग्रुप तो मैच ही नहीं होता, हम तो खून दे ही नहीं सकते। प्लीज सिस्टर, अब आप भी को कुछ करना होगा। देखिए मैडम, हमें किसी खून देने वाले को ढूंढना होगा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव हो। मैं हमेशा उन लोगों के नाम और टेलीफोन नंबर अपने पास रखता हूँ जिनके ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है, लेकिन आज वो कागज मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गिर गया। अब इतनी रात में ए बी नेगेटिव वाले को कहाँ ढूंढे? खून देने वाला मिल गया सर। मिल गया? कौन है वो? मैडम, एक औरत है, बूढ़ी औरत। बूढ़ी औरत? बूढ़ी औरत। फिर भी आप लोग देर क्यों कर रहे हो? खून ले लीजिए ना उसका। मैडम वो क्या बात है सिस्टर, आप खून ले क्यों रहे हैं उसका? सर, वो औरत बहुत अजीब सी है सर। अजीब सी? हाँ सर, इससे पहले कि उसका खून हम आपकी बेटी को दें, आप उसे एक बार देख लीजिए। हाँ ठीक है, कहाँ है वो औरत? चलिए। हाँ, चलो 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 चलो, आप लोग यहीं रुकना। देखिए वो रही। आप इतनी रात में हमारी बेटी की मदद के लिए आए हैं? कौन है आप? आपने अपना चेहरा इस तरह क्यों छुपा रखा है? तुम्हें रागिनी के लिए खून चाहिए ना? हाँ। तो फिर जल्दी से मेरा खून ले लो। मुझे ये औरत भयानक लग रही है, हमें इसका खून नहीं लेना चाहिए, इसका चेहरा देखना चाहिए पहले। नहीं, मेरा चेहरा नहीं देखना। बिना चेहरा देखे हम खून नहीं ले सकते, आप अपना चेहरा दिखाइए। नहीं, आगे मत आना, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। तो फिर हम खून नहीं लेंगे, चाहे बेटी मर भी जाए। फिर भी चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। चेहरा देखने के बाद पछताना नहीं। इसकी आंखें नहीं,
इसे कैसे पता चला कि मैं इसकी तरफ आ रही हूँ? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है सर। सर एक्सक्यूज मी सर, रागिनी का हालत बहुत खराब है, अगर जल्दी खून नहीं दिया गया तो कुछ भी हो सकता है। ये कौन है? नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए सर, जो भी करना है जल्दी कीजिए। बोलिए, इसका खून ले लो। नहीं, नहीं। फिर सोच लो, खून नहीं मिला तो रागिनी मर जाएगी ना। ठीक है सिस्टर, लीजिए इसका खून। सिस्टर, फौरन ये खून लेके डॉक्टर के पास जाओ। सर मैं खून लेकर आ गई हूँ। लगाओ, जल्दी से लगाओ, खून खत्म हो गया है। इसने आंखें खोल दी है सर। ये कैसे हो सकता है? इसकी हालत तो बहुत खराब थी, अचानक खून मिलते ही ये होश में कैसे आ गई? ये तो सिस्टर की आवाज है। जाओ जाके देखो जल्दी क्या हुआ। यस सर। क्या हुआ सिस्टर? चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? वो देख, राख, वो औरत कहाँ गई? मैं 2 मिनट के लिए बाहर गई थी सर, आके देखा तो वो यहाँ पे थी ही नहीं, और ये काली राख पड़ी हुई थी। लेकिन ये राख आई कहाँ से? मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। क्या हुआ? ये चीख किसकी थी? सर, वो देखिए सर, राख। राख? सर, वो ही ये राख यहाँ पर डालकर चली गई। खैर, वो औरत जो भी है, उसके खून से रागिनी ठीक हो गई। क्या? रागिनी बच गई डॉक्टर। ठीक हो गई? जी, वो खतरे से बाहर है। अच्छा। कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आप लोग उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। अच्छा हुआ बेटा तुम ठीक हो गई, वरना हम तो मर ही गए थे घबराहट के मारे। चलो कुछ नए फर्नीचर खरीदते हैं, तुम्हारा मन भी खुश हो जाएगा। ये सोफा कैसा रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा है, देखो, very comfortable and cozy। नहीं मामा, बहुत डार्क कलर है। ये वाला अच्छा है इनफैक्ट। कौन सा वाला? ये इधर आके देखो। कौन सा? ये देखो। ये? अच्छा कलर है। किसी को कुछ मत कहना। क्या हुआ? मम्मा, क्या हुआ?
कुछ मत कहना। मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मम्मा तुम अचानक इस तरह से घबरा कर क्यों बाहर आ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मा वो आदमी। कौन आदमी? मम्मा वो अंदर जो है वो मरा हुआ है। मम्मा वो ये क्या बात कर रही हो बेटा? ऐसा कुछ नहीं है। मम्मा वो आदमी मम्मा मरा हुआ है। नहीं बेटा। मम्मा वो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मम्मा नहीं। मम्मा वो मरा हुआ है। मम्मा नहीं बेटा। दादी मम्मा वो मरा हुआ है। मम्मा चलो यहाँ से। दादी नहीं मम्मा। मम्मा रागी नहीं बेटा। मम्मा वो मरा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। रागी नहीं रुक जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मा कुछ नहीं है। सब तुम्हारा वहम है। चलो उस दुकान में चलते हैं। चलो आओ। ये कैसा है? या तो फिर ये वाला? क्या हुआ? किसी से कहना नहीं कि हम लोग यहाँ पर हैं। क्या हुआ रागिनी? मम्मा, मम्मा ये मर गया है। मम्मा मैं कह रही हूँ मरा हुआ है। देखो ना मुझे मम्मा। अब क्या हुआ? मम्मा, मम्मा क्या हुआ? मम्मा वो औरत भी मरी हुई है। मम्मा नहीं रागिनी बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मम्मा इन सबको पता चल गया कि मैं उन्हें देख सकती हूँ। मैं मरे हुए लोगों को देख सकती हूँ। मम्मा सिक्योरिटी बेटा, सिक्योरिटी। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? देखिए यहाँ से जाइए प्लीज आप। रागिनी, रागिनी बेटा, रागिनी। पता नहीं क्या हो गया इसे, क्या कहती है? इस लड़की को सब पता चल गया है। इसको चुप कराना। माली काका इतनी रात को क्या कर रहे हैं? छुट्टी पर गए थे ना, वापस कैसे आ गए? मुझे वापस आना पड़ा, जरूरी काम था। क्या जरूरी काम था काका? बताना छोड़ दो। क्या? मरे हुए लोगों के बारे में सबको बताना छोड़ दो।
क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। उन्हीं में से एक? हाँ, एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो चुकी है। ये देखो मेरा हाल। मामा! सुनो!